सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा से आयुर्वेदिक पद्धति पर और आयुर्वेदिक औषधियों पर शंका करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि औषधि क्या होती है और ये किन पद्धतियों में उपयोग की जाती है। देखिए, औषधि एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिकित्सा उपचार में उपयोग की जाने वाली सामग्री जो अलग अलग बीमारियों में प्रयोग की जाती है। औषधियाँ आमतौर पर जड़ी बूटी, पेड़ पौधों, पारंपरिक, सांस्कृतिक और वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं और फिर उन्हें विभिन्न तरीकों से अपने अनुसार डेवलप किया जाता है। उनसे नए नए फार्मूलेशन तैयार किए जाते हैं और फिर उनको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। उनको रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, रोगों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है और रोगों से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये उपचार और इलाज कई तरीकों से किए जा सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार की पद्धतियाँ अवेलेबल हैं, जैसे आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति, चीनी पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति। आपको किस पद्धति का इस्तेमाल करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो पद्धतियाँ हैं अपने औषधियों को हमेशा नेचुरल रिसोर्स से ही प्राप्त करती हैं। देखिए, किसी भी औषधि को बहुत सावधानी पूर्वक और किसी भी विशेषज्ञ की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी सही मात्रा, सही तरीका और सही समय के साथ इस्तेमाल करने पर ही ये पॉजिटिव रिजल्ट देती है। चलिए जानते हैं इस बारे में हमारे देश के लीजेंड लोग क्या कहते हैं। देखिए, वाग्भट जी ने लिखा है, प्रयोग शमयेद व्याधिम यो अन्य मन मुदीरयेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शामयेधो न कोपियेत। अर्थात औषधि उसे कहना चाहिए जो व्याधि का शमन करे, ना कि जो एक रोग का शमन करके दूसरा रोग उत्पन्न करे उसे अनुपयोगी या अशुद्ध मानना चाहिए। मतलब जो रोग का शमन करे और शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति को पैदा न करे उसी को शुद्ध और लाभदायक औषधि मानना चाहिए। और इस तरह की औषधि बनाने में आजकल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स को बहुत परेशानी आती है। बहुत से लोग मॉडर्न साइंस की बात करते हैं और जिन औषधियों को आयुर्वेद कई वर्षों से मना करते आ रहा था, 15 साल 20 साल के प्रयोग के बाद लोगों को पता चला कि इस औषधि के लेने से कैंसर होता है। तो ऐसी औषधियों को थोड़ा सा संभल के इस्तेमाल करें, आप आयुर्वेदिक पद्धति पर विश्वास करें। ये आचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। आचार्य मतलब जिन्होंने खुद आचरण करके अपना अनुभव प्राप्त किया है और फिर ग्रंथों में लिखा है। और इस तरह आयुर्वेद में बताई गई औषधियाँ बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध होती हैं। आप इनको औषधि माने और मॉडर्न साइंस की औषधियों के बारे में आप जो भी समझना चाहते हैं स्वयं समझें और स्वयं डिसाइड करें। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे उपयोगी वीडियो आपकी जानकारी के लिए लेकर हमेशा आता रहूँगा। थैंक यू।